वीडियो में आप देखने वाले हैं टॉरस मतलब वृषभ राशि के बारे में, आप सितंबर मंथ के लिए प्रेडिक्शंस और गाइडेंस देखने वाले हैं। तो यस, ये वीडियो होने जा रहा है आपकी सन साइन के बेसिस के ऊपर, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपको ये वीडियो देखना है। अब इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो रेजोनेट नहीं करेंगी। जो अभी रेजोनेट नहीं करता है वो थोड़े समय के बाद ज़रूर रेजोनेट करेंगी, तो इसीलिए कोशिश करो कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखो ताकि सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाए। उसी के साथ साथ इस वीडियो को सेव जरूर कीजिए। अब यस, इस वीडियो में जो भी बताया गया है, यस इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू, अगर आप वो सारा गाइडेंस करते हैं तो आने वाले महीनों में आपके लिए और ज़्यादा यू नो इम्प्रूवड लाइफ आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मैं हूँ प्रीति, मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ, और इसीलिए आज तक हज़ारों लोगों के मैंने रीडिंग्स किए हुए हैं। जस्ट शेयरिंग दिस विद यू ताकि आपको पता चल पाए आप एक भरोसेमंद व्यक्ति के पास आप रीडिंग पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है ये कार्ड, आपके आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा कठोर आपको रहना पड़ सकता है किसी के साथ। ठीक है, किसी के साथ काफ़ी कठोरता से, किसी के साथ काफ़ी सख्ती से बरतना पड़ सकता है। अब ये हो सकता है कोई भी व्यक्ति, राइट, बट सी कभी कभी होता है कि कुछ लेवल का डिसिप्लिन अगर आपको चाहिए, अगर आपको कोई कुछ काम है कि जो कुछ लेवल किसी कम समय की अवधि में आपको उसे पूरा करवाना है और आपको खुद नहीं करना है, कुछ टीम वर्क करवाना है, काफ़ी लोगों से करवाना है, तो उसमें थोड़ी सी सख्ती अगर आप रखते हैं तो वो काम बहुत ही जल्दी से हो जाएगा, ऐसा आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है, ये लवर्स का कार्ड है, तो आप अपने पार्टनर के साथ, राइट, आपके पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा समय आप बिता पाएंगे इस महीने के दौरान। आपके पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ आपकी बढ़ेंगी इस महीने के दौरान। उसी के साथ साथ यू नो ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप सिंगल है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप किसी व्यक्ति को, पोटेंशियल व्यक्ति को मिल पाएंगे कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बन सकता है। ठीक है, और एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आपको सख्ती से पेश आना पड़ सकता है किसके साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ या तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ। क्योंकि यहाँ पर यू नो कुछ हो रहा है, चोरी छुपे आपके जो पार्टनर है कुछ कर रहे हैं कि जो शायद आपको पता लगना चाहिए, आपको नहीं पता था, और अगर वो चीज़ आपको पता, यस, अगर नहीं वो चीज़ पता लगने वाली है आपको, और जैसे ही आपको पता लगेगी यू नो यू विल हैव टू इन्वेस्टिगेट। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने पार्टनर के साथ बातचीत करनी पड़ जाएगी, आपको उनके साथ यू नो कन्वर्सेशन करना पड़ जाएगा। तो जी हाँ, ये चीज़ है। उसी के साथ साथ या तो आपके पार्टनर छुपा रहे हैं या तो आप कुछ चोरी छुपके कर रहे थे कि जो आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि जिसके बाद वो आपके साथ सख्ती से पेश आएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग यू नो, यस, ये कुछ सीरियस चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जो सितंबर के महीने में हो सकता है। तो कोशिश करो जितना भी हो यू नो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ भी छुपाओ नहीं, जो भी आप यू नो मतलब क्लियरली सारी चीज़ें आप उनको बता दो, जो भी बताने लायक चीज़ें लगती है वो। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर ये कार्ड है, दिस इज़ एक्चुअली यू नो ये वाला कार्ड बताता है कि कुछ है तलवार है यहाँ पर, तो तलवार क्या करती है, तलवार काट सकती है, राइट, क्या काटना है आपको, ऐसे हर वो चीज़ आपको काटनी है कि जो आपकी लाइफ में या तो बाधा रूप हो रही है, कुछ भी काम नहीं आ रही है, या तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रही है। अब ये हो सकता है कि कुछ रिश्ते हैं कि जिसको आपको कट ऑफ करना है, कुछ रिश्ते हो सकते हैं यहाँ पर यू नो, कुछ सिचुएशंस हो सकती है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है कि जहाँ पर आप जितना भी कोशिश करो वो परिस्थिति इम्प्रूव ही नहीं होती, सुधरती ही नहीं है, तो उस परिस्थिति को कट ऑफ करना है। कुछ रिलेशनशिप्स हो सकते हैं कहीं पर यू नो, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हो सकती है आपकी लाइफस्टाइल की आप काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपको लेट गो करनी पड़ सकती है, उसको कट ऑफ करना पड़ सकता है। ठीक है, सो समथिंग और द अदर, मैंने सारे एग्जाम्पल दिए बट यू नो पर्सन बाय पर्सन ये चीज़ वैरी करेगी कि क्या चीज़ आप कट ऑफ करते हैं अपनी लाइफ से। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है यहाँ पर, ये दिस इज़ फ्यूचर का कार्ड है, राइट, मतलब आपके फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, उसके लिए कुछ आपको डिसीजंस लेने पड़ जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करना पड़ जाएगा। यस, दिस इज़ गोइंग टू बी कि आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हैं, अगले 5 साल में कैसी लाइफ देखना चाहते हैं, अगले 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हैं, उसके आधार पर आप यू नो प्लान करना शुरू करेंगे इस महीने। अब यू नो देयर आर, अब काफ़ी लोग मुझे पता है कि जो कभी लाइफ को प्लान नहीं करते, बस जैसी लाइफ चलते रहती है, मतलब जिस दिशा में ज़िंदगी ले जाए उस दिशा में चल पड़ते हैं, लाइक गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ करते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ कुछ लेवल का ऐसा आपकी लाइफ से आपके एक्सपेक्टेशन है कि मतलब इतने टाइम के बाद ऐसा होना चाहिए, इतने टाइम के बाद ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत लेवल का प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप कहीं अच्छा वो कैसे करना है,
सो यस, एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसी के साथ साथ गोल सेटिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। गोल सेटिंग मतलब कैसे गोल्स सेट करना है, और वो गोल्स एक बार आपके सेट हो जाए फिर उसको मैनिफेस्ट कैसे करना है उसको आप मैनिफेस्टेशन के वीडियो में आप देख पाएंगे, ठीक है। सो ज़रूर दोनों वीडियोज़ मेरी चैनल के ऊपर देख लीजिए, एक बार आप ये वीडियो देखना ख़त्म करें उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है, यहाँ पर ये कार्ड है कि आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है, टीम वर्क करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। आपकी ऐसी आदत हो सकती है कि आप यू नो मतलब सब कुछ अपने आप से ही करते हैं, अपने आप ही डिसीजन लेते हैं, अपने आप ही पूरा प्लान करते हैं और फिर अपने आप ही उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। बट यहाँ पर ये कार्ड बताता है आपके आसपास आपको इम्पॉर्टेंट गाइडेंस मिल सकता है, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास की परिस्थिति, आपके आसपास का यूनिवर्स आपको सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स के द्वारा कुछ ना कुछ आपको आपको कुछ गाइडेंस देगा कि जो आपको फुलफ़िल करना, मतलब अगर आप उसे फुलफ़िल करके करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन उसके रिजल्ट्स मिल पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ दैट बीइंग सेड, ये था हमारा आज का रीडिंग। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो ने कैसे आपकी मदद की। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, अगर आप भी टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो बाय ऑल मीन्स यू नो इट इज़ अ वेरी गुड साइंस। आप अपने लिए आप अपनी मदद कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं टैरो रीडिंग्स करके, आप टैरो रीडिंग्स करके आप यू नो दूसरों के लाइफ के बारे में गाइडेंस दे सकते हैं और साथ साथ आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो जी हाँ, तो अगर ये सीखना चाहते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप चेकअप कीजिए। वेबसाइट की जो लिंक है यहाँ पर मेरे जो वीडियो है उसमें दी गई है, तो उसे ज़रूर चेकअप कीजिए एंड येस वेट लिस्ट ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सो या सो दैट बीइंग सेड, अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।